अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसूर की दाल के पकौड़ों की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते। तो यहाँ सबसे पहले लिया है मैंने, एक घंटा मैंने ये मसूर की दाल को भिगो कर रखा है। इस तरीके से मैंने इसे भिगो के रखा था। उसी के साथ मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून साबूदाना। ये बारीक वाला साबूदाना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मीडियम वाला साबूदाना यूज़ कर सकते हो। साबूदाने को भी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। अब हम दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे। उसी के साथ में डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून जितना पानी डालकर इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। यहाँ मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इस तरीके से दाल को दरदरा पीस ले, बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसे। अब भिगा हुआ साबूदाना हम इसमें डाल देंगे। उसी के साथ इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। यहाँ दाल को रेस्ट होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। एक एक कर पकौड़ों को डाल देंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के पकौड़े बनाए हैं, आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हो। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने पकौड़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पकोड़े फ्राई कर निकाल लेंगे। यहाँ मैंने पकौड़ा का दूसरा बैच भी फ्राई कर निकाल लिया है। अब हम फ्राई करेंगे कम तीखी वाली हरी मिर्च। ये कम तीखी वाली है, इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे निकाल लेंगे। इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क कर इसे सर्व करेंगे। इन हरी मिर्चों को हम पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। यहाँ हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करें हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप भी इस रेसिपी को इफ्तार के टाइम पे ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।